मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाह रही हूँ। किसी को भी मेरी ट्विटर पे पूरी स्टोरी का नहीं पता है कि मैं उमर चीमा के साथ क्यों फाइट कर रही हूँ, उमर चीमा मेरे साथ क्यों फाइट कर रहा है। उमर चीमा साहब जो हैं ये मेरे हस्बैंड की जो पहली वाइफ है ना, उनके भाई हैं। वाइफ तो नहीं है, मतलब वो पहले उनके दो बच्चे थे, फिर फातिमा सरफराज ने डिवोर्स ली, खुला ली, और खुला लेने के बाद एक और जगह पर जाकर कोई शहबाज खान है उसके साथ शादी कर ली, फिर वहां से डिवोर्स ली, फिर वापस आ गई, फिर जहीर साहब के साथ शादी कर ली, फिर जहीर साहब ने इनको डिवोर्स दे दी। अब ये क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड की एक साल हो गई डेथ हो गई है, ये दोबारा से बीवी बन के आ गई हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इनको जायदाद मिले, जायदाद में से हिस्सा मिल जाए, और जो इनके भाई हैं वो इकतदार में होने का पूरा पूरा फायदा उनको दे रहे हैं। मतलब मेरी जमीन, जैसे वो गवर्नर बने मेरी जमीन अपनी बहन के नाम लगवा दी, उसके बाद अब जब से मैं इनके साथ फाइट कर रही हूँ तो मुसलसल हर रोज मेरे पे एक एक FIR हो रही है, और मेरे घर पे फायरिंग की, हम मुझे आते जाते धमका रहे हैं, इनके गुंडे मेरे घर के साथ बैठे हुए, लेकिन पुलिस किसी तरह से मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे इतना रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि किसी ऐसे बंदे तक पहुँच सके जो मेरी मदद कर सके। मेरी रिक्वेस्ट है अपने तमाम आला हुकाम से कि प्लीज़ मेरी दादरसी की जाए। चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है कि जो इक्तदार पे बैठे हुए लोग हैं उनको फिरौन ना बनने दें, प्लीज़ मेरी मदद करें। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।